आखिर क्यों मुनव्वर अनुराग के गले लगकर फूट फूट कर रोए। जी हाँ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनुराग को रोता देख मुनव्वर के भी आंसू नहीं रुके। क्या है पूरी खबर, आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल टेली न्यूज़ पे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। बिग बॉस 17, जैसा कि आप जानते हैं, अभी बाहर की बात करें तो मुनव्वर की जनता वर्सेस ब्रोसेना चल रहा है, लेकिन वहीं अंदर तो कुछ और ही देखने को मिला। मुनव्वर और अनुराग एक दूसरे को गले लगकर फूट फूट कर रोते हुए आए नजर। सभी फैंस भी हो गए इमोशनल। दरअसल वीकेंड के वार के बाद अनुराग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे कि जिस तरीके से सलमान खान टीवी पर्सनालिटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन यूट्यूबर्स को उतनी स्क्रीन स्पेस नहीं मिल रही। इसके बाद बिग बॉस ने सीधा अनुराग को काफ़ी ज़्यादा फटकार लगाई और उन्हें ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको उतनी स्क्रीन प्रेजेंस मिले तो आपको वो करके दिखाना होगा, आपको अपनी पर्सनालिटी, अपना गेम अप करना पड़ेगा। इन सब के बाद अनुराग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वो अपनी माँ को याद करने लगते हैं। उन्हें नहीं समझ में आता कि वो कैसे अपना गेम सुधारे और वो होमसिक फील करने लगते हैं। वहीं जब अनुराग अपनी माँ को याद करके काफ़ी ज़्यादा भावुक नज़र आते हैं तो सभी घर वाले उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुराग को देख मुनव्वर भी इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें अपनी माँ की याद आने लगती है और वो अनुराग को गले लगाकर फूट फूट कर रोते हैं। मुनव्वर अनुराग को समझाने की कोशिश करते हैं कि तू बहुत लकी है कि तुम्हारी माँ तुम्हें देख कर प्राउड तो फील कर रही। तुम अपनी माँ को राइड पे लेकर जा सकते हो, लेकिन ये सब मैं नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुझको बोल रहा था कि रो मत। जी हाँ, मुनव्वर को भी अपनी माँ की याद आ जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुनव्वर अपनी माँ को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। तो आपको कैसा लगा ये मोमेंट देखकर कमेंट्स में बताइए। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल टेली न्यूज़ पे।